हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेसिपी सब। आज मैं इस वीडियो में आपको बार्ले यानी जौ की रोटी बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसे दो तरीके से बनाना बताऊँगी जिसे आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। और ये जौ की रोटी काफ़ी नरम और मुलायम बनती है, घंटों तक भी इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही रहता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से लाइक करें। वैसे जौ का आटा आपको मार्केट में और ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये काफ़ी महंगे होते हैं और शुद्ध भी नहीं होते। मैंने काफ़ी बार इस्तेमाल किया जो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप घर पर इस तरह से जौ मंगा लें। मार्केट और ऑनलाइन में मिल जाएगा आसानी से, काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं, और इसे पिसा लें। और ये देखिए, इसका आटा बिल्कुल ऐसा तैयार मिलेगा, और ये बिल्कुल शुद्ध है। बहुत अच्छा इसका स्मेल आता है और टेस्टी भी बनेगा इसका रोटी। बार्ले यानी जौ हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह एक बहुत अच्छा सोर्स होता है बीटा ग्लूकेन का, जो एक तरह का फाइबर होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और ब्लड शुगर को कम करने में मदद मिलती है। जौ की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लें, उसमें एक कप पानी डालेंगे। फिर इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून के बराबर बटर या देसी घी या रिफाइंड ऑयल डाल लीजिए। इससे रोटी काफ़ी नरम और मुलायम बनेगी। फिर इसे ढककर इस पानी में उबाल आने देंगे। ये देखिए, पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब एक कप जौ का आटा लेंगे। अब जितनी मात्रा में आटा लेंगे, जिस बर्तन से मेजरमेंट कर रहे हैं उसी में बर्तन से आपको पानी भी मेज़र करना होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। फिर गैस को धीमा करें और फटाफट इसे मिलाना स्टार्ट करें। ये तुरंत डो जैसा तैयार हो जाता है। और जैसे ही आप इसे मिला लें, गैस को बंद कर देना है। ये देखिए किस तरह से इकट्ठा हो गया। अब इसे हम ढक देंगे और एक साइड में रख दें। ये जो गर्माहट होती है पैन की ना, उसी में थोड़ा जौ का आटा हमारा पक जाएगा, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये थोड़ा सा गुनगुना है, तो इसे आप एक बर्तन में निकालें और इसको गूथना स्टार्ट करें। बहुत ही नरम ये आटा बनता है, इसमें अब पानी वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए कितना चिकना और स्मूथ दिख रहा है। तो स्टीम में जौ का आटा पक चुका है, इसकी वजह से इसका कलर देखिए चेंज हो गया है और कितना नरम बना है। आप जब इसकी रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल भी रोटी फटेगी नहीं, बहुत ही आराम से आप इसे बना सकते हैं। जितना पतला बनाएंगे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है उसके हिसाब से डो लें। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये थोड़ा सा ना जब आप रोटी बनाएंगे तो श्रिंक होता है, इसलिए नॉर्मल जैसा रोटी आप बनाते हैं जितना बड़ा डो लेते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप डो लीजिएगा और रोटी बनाइएगा तो एकदम परफेक्ट बनेगा। आप इसमें जौ का आटा लगा सकते हैं सूखा, इसे बेलने के लिए, या फिर गेहूं का आटा ले लीजिए और इसे बना लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगता है क्योंकि ये चिपकता नहीं है, बस हल्का सा इसका हेल्प लेना है राउंड रोटी बनाने के लिए। और ये देखिए मैंने कितनी पतली रोटी बनाई है, बिल्कुल भी फटी नहीं है और बहुत आसान है। आप एक बार ज़रूर से अपने घर पर ट्राई करिएगा। अक्सर वेट लॉस के लिए या डायबिटीज़ पेशेंट के लिए डॉक्टर या हमारे न्यूट्रिशन सजेस्ट करते हैं कि बार्ले खाने के लिए, ओट्स खाने के लिए, क्योंकि इसमें हाई फाइबर पाया जाता है। जैसे कि 100 ग्राम गेहूं के आटे में 2.9 ग्राम फाइबर होता है, वहीं 100 ग्राम जौ के आटे में 15.6 ग्राम फाइबर होता है। तो आप इसे अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें और डेली बेसिस में खाएँ, बहुत अच्छा रहेगा। और इसे बिल्कुल नॉर्मल रोटी आप जैसे सेकते हैं वैसा ही इसे सेक लीजिए, एकदम फुली फुली रोटी बनती है। देखा आपने कितनी अच्छी रोटी बनी है, बच्चे भी बहुत आराम से खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। और घी ज़रूर लगाएं, जिससे टेस्टी तो बनेगी ही और डाइजेस्ट होने में भी काफ़ी आसान होता है, क्योंकि फाइबर को आसानी से डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। इस रोटी को आप घंटों तक रख दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही नरम बनी रहेगी। और ये जो जौ की रोटी है ना, जल्दी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पकाया है, उसके बाद फिर से रोटी बनाया है, तो दो बार ये कुक हुआ है, तो इस वजह से ये रोटी जल्दी नहीं ख़राब होती है। आप इसे किसी भी सूखी सब्ज़ी या ग्रेवी से खा सकते हैं। आप यहाँ जो भिंडी की सब्ज़ी देख रहे हैं बहुत ही स्पेशल है, और आपने ऐसी सब्ज़ी कभी बनाई नहीं होगी, तो इसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। इसके लिए
चाहिए, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर नहीं किया है तो, ताकि आप मिस ना करें इस वीडियो को। और ये देखिए रोटी कितनी नरम बनी है। और आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अब चलिए मैं दूसरे तरीके से आपको बता रही हूँ, जिसमें आपको स्टीम नहीं करना है, कोई झंझट नहीं रहेगा। बस आप जौ का आटा लीजिए, उसमें मिलाइए गेहूं का आटा। तो जितना आप जौ का आटा लेंगे उसका एक तिहाई आपको लेना है गेहूं का आटा। जैसे मैंने एक कप जौ का आटा लिया है तो 1/3 कप ये गेहूं का आटा है। इससे जौ के आटे को बाइंड मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे ही गूँथेंगे ना जौ को तो बिल्कुल बिखर जाता है। फिर इसमें नमक मिला लीजिए 1/2 टीस्पून और देसी घी या बटर 1/2 टीस्पून। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूँथ लेना है, जैसे आप नॉर्मल रोटी के लिए आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा नरम हमें गूँथना होगा, क्योंकि जौ में हाई फाइबर होता है तो ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो आपका डो है बाद में ड्राई हो जाएगा, रोटियां फिर फटने लगेंगी, इसलिए हल्का सा नरम इसे गूँथना होगा। और इसे गूँथने के बाद आप इसे ढक कर रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए और सॉफ्ट हो जाए हमारा आटा। और ये देखिए हमारा आटा सेट हो गया है, इसे थोड़ा और हम गूँथ लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। अगर आपको ड्राई लग रहा हो डो तो हल्का सा पानी डालकर इसे और नरम कर सकते हैं। और इसकी जब आप रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट डो लीजिए जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है, क्योंकि ये श्रिंक नहीं होता है। जैसा गेहूं की रोटी बनती है बिल्कुल वैसा ही ये बनेगा। और देखिए बिल्कुल दिखने में भी कितना सुंदर दिख रहा है ये, और बिल्कुल नॉर्मल रोटी जैसा आप इसे सेक लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके से जौ की रोटी बनाने का तरीका बताया है, तो इसमें से आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक ख़ास बात और, रोटी हम अक्सर बहुत जल्दी जल्दी तेज़ आंच पर बना लेते हैं, लेकिन वो रोटी बहुत अच्छी तरह से पकती नहीं है, कच्ची रह जाती है अंदर से, जिससे हमें ब्लोटिंग, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है। तो आप जब भी रोटी बनाएं, किसी भी चीज़ का बना रहे हैं, तो धीमी आंच पर आराम से बनाएं, जिससे वो अच्छी तरह से कुक होगा। तो आपको भी मेरी वीडियो कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसे ज़रूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।